आप लोगों ने कड़ी तो बहुत खाई होगी और हम में से ज्यादातर लोगों को यह पसंद भी बहुत आती है। दिल्ली पंजाब में तो कड़ी चावल बहुत फेमस हैं। आज हम भी कड़ी बनाएंगे, वह भी गाजर वाली, जो बहुत न्यूट्रिशियस होने वाली है और स्वाद में बहुत जबरदस्त। तब तक दोस्तों सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक कर दो, अभी 500 सब्सक्राइबर की मंजिल काफी दूर है। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वह बहुत ज्यादा आसान है। शुरुआत करते हैं मट्ठा या फिर छाछ से। मैंने लगभग 250 ग्राम दही को फेंट कर उसका छाछ बना लिया है। छाछ को मिक्सर में डालकर उसमें 5 चम्मच बेसन डाल देते हैं। मिक्सर से बेसन अच्छे से फेंट लेंगे ताकि बेसन में किसी भी तरीके का लंप्स ना बचे। अब एक लोहे की कढ़ाई में लगभग 1.5 ग्लास पानी गर्म करेंगे, उसमें साबुत हरा मिर्चा, आधा चम्मच काली मिर्च, 6 से 7 लौंग, 1 चम्मच सौंफ डालकर पानी को बॉईल होने देंगे और फिर उसमें छाछ और बेसन वाला मिक्स डाल देंगे। हमको बस इसे लगातार चलाते रहना है, नहीं तो छाछ फट सकता है। अब हमको इसमें 3 से 4 ग्लास पानी डाल देना है। हमको लगभग इस कंसिस्टेंसी तक इस छाछ को पतला करना है। एक बार यह बॉईल होने लगे तो फिर हमको इसे चलाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हमको बस इसे मीडियम फ्लेम पर पकने देना होगा। अभी बस कड़ी को चलाते रहिए, चलाते रहिए और चलाते रहिए, जब तक कि यह बॉईल ना हो जाए। खुशी से मेरी आंखों में आंसू आ गए। काफी देर की मेहनत के बाद फाइनली इसमें उबाल आ गया है। अब हमको बस इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाना है और कढ़ी में अच्छे से मिला लेना है ताकि हल्दी का कलर अच्छे से आ जाए। हल्दी के बाद इसमें हमको स्वादानुसार नमक डाल देना है। वीडियो में शायद वो मिस हुआ है। कड़ी को स्लो फ्लेम पर पकते हुए लगभग आधा घंटा हो चुका है और अभी आप देख सकते हैं कि कड़ी काफी गाढ़ी हो गई है। इसको थोड़ी देर और चलाना होगा ताकि यह थोड़ा और गाढ़ा हो जाए। अब हमको इसमें बस गाजर ऐड करना है। यह गाजर मैंने छील कर काट कर बॉईल कर ली है और इसे डालने के बाद कड़ी को लगभग 15 मिनट तक और पकाना है। लीजिए भाई, फाइनली कड़ी रेडी हो चुकी है। अब मुझे बस इसमें एक जोरदार तड़का लगाना है। तड़के के लिए मैं एक पैन में 5 से 6 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल को गर्म करता हूँ। फिर गर्म तेल में 1 चम्मच सरसों, 1 से 2 कटा हुआ हरा मिर्च, कड़ी पत्ता और 1/4 चम्मच हींग मिलाने के बाद अच्छे से चला लेता हूँ। और इसके बाद ढेर सारा लहसुन डाल देंगे। लहसुन को अच्छे से चला लेंगे और जैसे ही लहसुन पर हल्का सा पिंक कलर आ जाए हमको उसमें कटा हुआ प्याज डाल देना है और प्याज को भी अच्छे से भून लेना है। एक्चुअली हमको प्याज का कलर ब्राउन करना है। ये लीजिए, बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें बस आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर मिलाना है। कड़ी को तड़के में उतार देते हैं। यह देखिए,
बहुत ही ज्यादा हेल्दी, बहुत ही ज्यादा टेस्टी और एकदम यूनिक तरीके से बनी इस रेसिपी को आप अपनी फैमिली के साथ जरूर एंजॉय करें। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आशा करता हूं यह रेसिपी आपको पसंद आई होगी। जल्द ही मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अमेजिंग रेसिपी आप तक पहुँचती रहे।